तो सभी लोगों को नमस्कार। फिलहाल में आज हम इस कोल्ड स्टोर में पहली बार प्रवेश करेंगे। ये कोल्ड स्टोर छिबरा मऊ के कपूरपुर में स्थित है और आप लोग देख पा रहे हो अभी कोल्ड स्टोर के बाहर है और कोल्ड स्टोर के अंदर हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। तो ये रहा कोल्ड स्टोर। तो अभी हम इस कोल्ड स्टोर के बरामदे के अंदर मौजूद हैं और मैं देख पा रहा हूँ कोल्ड स्टोर में थोड़ा सा सन्नाटा नज़र आ रहा है। अब अगर आप लोग पूरा कोल्ड स्टोर का व्यू देख पा रहे हो, अभी कोल्ड स्टोर में जो है अभी समय जो है लगभग 12 बज चुका है और किसान लोग इधर आ चुके हैं, किसान लोग बैठे हुए हैं और अभी यहाँ के जो व्यापारी लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे आलू का पोजीशन क्या है। लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि आज आलू के बाज़ार थोड़े बहुत टाइट हुए हैं। तो अभी आप लोग देख पा रहे हो कोल्डों के बरामदे में मतलब जो है थोड़ा बहुत आलू का बीजा है उसकी कटाई हुई है और इधर भी सामने भी आलू की कटाई चल रही है। टोटल आलू जो है बीजा काटा जा रहा है, इधर देख पा रहे हो आप लोग। उसके बाद ये देख पा रहे हो आप लोग। और अब हम लोग चलते हैं इस कोल्ड स्टोर की ऑफिस में और जानते हैं कि यहाँ का भाव क्या है, क्या कैसी निकासी है, क्या पोजीशन है आज का कोल्ड स्टोर में। यहाँ पे किसान भाई बा, व्यापारी भाई बा, यहाँ के लोडिंग बाबू और यहाँ पे वरिष्ठ व्यापारी लोग हैं और यहाँ पे एक लाट की जो कि बिक्री हो रही है, देख पा रहे हो आप लोग न्यू हाईलैंड आलू है और इसकी बिक्री होने जा रही है। उससे पहले लोग थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपका परिचय करा देते हैं। क्या नाम भैया आपका? आपका भैया जी किसान हो? आप? आप भैया आप किसान? आप भी किसान? आप भी किसान? यहाँ पे काफी लोग किसान हैं और ये व्यापारी भैया, सबसे पहले आपसे बातचीत करते, भैया क्या भाव चल रहा है? ये व्यापारी भी आना जाना चाहते सब लोग, मतलब 650 रुपये। कौन से आलू का? न्यू हाईलैंड का। मतलब ये 650 रुपये हर आलू का दे दोगे? इसका दे दोगे आप? नहीं, ऐसे आलू का आप बता दो, मतलब किस क्वालिटी का किस भाव है? अगर सुपर क्वालिटी नंबर एक का होगा तो 650 और बैसनिबल होगा तो 600 625 और सबसे नीचे कितने में है? 550 मतलब कि 550 लेके 600 रुपये आमतौर पर चल रहा है और सुपर माल 650 रुपये में। और ख्याति पुखराज 500, इतना कम क्यों? कहाँ पे वैल्यू भैया 550 रुपये चल रहा सब में? जहानगंज में जाओ और अदर जगह जाओ 550 रुपये भी चल रहा है। आप तो 800 रुपये बेच रहे हैं, आगरा तो 950 भी है लेकिन यहाँ पे केवल 500। ब्रीडिंग नहीं है? नहीं नहीं, अभी सुना था क्या कहा था, सुना था क्या कहा? मेरी अपनी बात समझो, अपनी कमजोरी बोल रहे थे यहाँ पे क्या नहीं है, सफाई ग्रीडिंग नहीं है ना। तो आप लोग ऐसा गलती क्यों करते हो? दोबारा से एक बार ध्यान कर लो, जितने भी किसान भाई हो सभी लोग अच्छा माल लेके आओ, जो कि ये लोग ताने ना मार पाए कि ग्रीडिंग नहीं है। अच्छा अच्छा अब भैया बताओ, रुको रुको, कौन झटकेगा? अच्छा अच्छा, नहीं लेकिन आपकी गलती है ना, आप ये करके ही ना लाओ। और हम कोई हो चाहे मतलब कोई अमीर करे, कोई ऐसी जगह माल रखो जहाँ पे आलू जो है बिक्री जो होती है बोली लग के हो। भाई बेचने वाले तुम लोग यहाँ हजार हो, अरे बेचने वाले हजारों, खरीदने वाले एक लोग होंगे तो अपने हिसाब से खरीदेंगे ना, नहीं है ना। फिलहाल में हर जगह का मेरे छिबरा मऊ का एक सिस्टम यही है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ये किसानों की भीड़ है और किसान लोग तो बहुत होते हैं लेकिन खरीददार बहुत कम मिल पाते हैं, इसलिए यहाँ पे किसानों का एक तरीका के किसान खुद ही कह रहे हैं शोषण किया जाता, हम तो नहीं कह रहे हैं। लेकिन भाई इन लोगों को एक यूनियन बनाना चाहिए कि अपने हिसाब से मतलब अपना ग्रीडिंग करके लाओ, भर्ती अच्छी लाओ, फिर देखें ये लोग नहीं लेते क्यों भैया। है? आप बोल नहीं रहे हो भाई, ग्रेडिंग करके लाओ, अच्छा माल लेके आओ, फिर इनसे ठोक के बोलो भैया मेरा क्या गलती है। हाँ भाई, तो भाई खत्म करो। हाँ यार, तो भैया यहाँ पे 500 रुपये सफेद आलू चल रहा है और 650 रुपये मतलब 600 रुपये हाईलैंड।
तो अभी यहाँ पे जो है बिक्री वगैरह नहीं हो रही है, और अगर बिक्री वगैरह होगी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखा देंगे। अभी जो है किसान भाई जितने भी हैं मतलब सोच रहे हैं बारिश हो जाएगा उसके बाद आलू का भाव बढ़ जाएगा उसके बाद बिक्री करेंगे, क्योंकि भैया यही सोच रहे हो, यही सोच रहे भैया है, ऐसा तो नहीं ये सोच रहे हो दशहरा हो जाएगा या बारिश हो जाएगी तब आलू का दाम बढ़ जाएगा। नहीं बीजा ईजा निकाल के ले गए या नहीं ले गए आप लोग, बीजा ईजा निकाल के ले गए या नहीं?